हेलो फ्रेंड्स, डे सिक्स घर का खाना में आज हम बना रहे हैं सोया चंक्स और सोया ग्रैनुल की सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने 30 ग्राम सोया ग्रैनुल्स और 20 ग्राम सोया चंक्स ले लिए हैं और इसमें मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। नमक डाल के इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। करीब हम इसे 10 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। जब तक ये हमारी बॉयल होती है तब तक हम सब्ज़ी बना लेते हैं। एक कांदा, थोड़ी सी लहसुन, 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च मैंने काट के रख दिए हैं। 1 चम्मच दही का ले लिया, इसमें मैंने सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे पानी डाल के फुलाने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा मैंने तेल लिया, इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं। आप चाहें तो खड़े मसाले स्किप कर सकते हैं। फिर कांदा लहसुन डाल दिया है और इसे मैंने थोड़ा सा पिंक कर लिया है। उसके बाद मैंने ये मसाले डाल दिए और 1 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। जैसे अच्छे तरह से मसाले भून जाए फिर टमाटर डालने हैं। फिर हमें इसे 2 सीटी आने तक कुक करना है। फिर हम इसे हैंड मिक्सी में या तो मिक्सी में किसी में भी पीस सकते हैं। फिर मैंने 1 बड़ा आलू काट के डाल दिया है। फिर हमने इसमें बॉयल की हुई न्यूट्री डाल दी है, यानी कि सोया डाल दी है। फिर इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक ये नीचे लगने आना शुरू हो जाए और इसका तेल सेपरेट ना हो जाए। फिर पानी डाल के इसको हम एडजस्ट कर लेंगे जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। फिर हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और 3 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। देखिए, ये तैयार है बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी सब्ज़ी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।